दस गवाह हमारे इधर जो फर्स्ट टाइम में जो इलेक्शन हारता है वो सेकेंड टाइम में जीतता है। मैं जब बीजेपी ज्वाइन किया मेरा जितना सपोर्टर्स आज बीजेपी में पूरा शामिल हुआ क्योंकि बीजेपी इज पार्टी विद द डिफरेंस, उस विश्वास को लेके आज मेरा साथ 5,862 ज्वाइन किया हेड ऑफ द फैमिली, और जो सर्विस में है और जो नौकरी में है और जो बिजनेस में है वो लोग नहीं आया, प्रैक्टिकल जो ज्वाइन किया हुआ इतना है। सर इस बार आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा ये आपका 19 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए? मेरा तो विकास, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, देन रोड कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म। सर वैसे तो आपका यहाँ इस असेंबली का, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रेजेंट एमएलए बामंग फेलिक्स जी है, तो अभी आपको क्या लगता है टिकट आपको मिलेंगे या अगर आपको नहीं भी मिलेगा तो आप फिर कॉन्टेस्ट करेगा आपका इस एमएलए कैंडिडेट? मेरा इधर ऐसे है, इतिहास है, इतिहास गवाह हमारे इधर जो फर्स्ट टाइम में जो इलेक्शन हारता है वो सेकेंड टाइम में जीतता है, और बीजेपी में हम लोग विश्वास है कि पार्टी विद द डिफरेंस, जो पब्लिक का समझदार है, सोचता है और हमारा पब्लिक क्या चाहता है वो हम विश्वास करते हैं कि मुझे मिलेगा। सर आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी तीन कंटेंडर आ रहा है, तीन कैंडिडेट है, तीनों बोलता है कि वो बीजेपी सरकार में है, बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी में है, तो आपको क्या लगता है तीनों में से कौन डिजर्विंग है, डिजर्विंग किसको लगता है और टिकट किसको मिलेगा लगता है सर? वो तो मैं तो खुद कहूँगा क्योंकि हमने पहले से होमवर्क करके रखा हुआ है, 2019 में लॉस किया है, इसलिए हमारा जो हम तो मेरा जो गलती है, हम मेरा जितना इरर्स है उसको हम पूरा प्रिफेयर कर रहा है, और पब्लिक का विल ऑफ द माइंड हमको गाइड करने के लिए हम पूरा उसी कोज में है। सर आप कहते हैं कि आप फुली प्रिपेयर है, तो बामंग फेलिक्स जी तो यहाँ 15 ईयर से काम कर रहे हैं, क्या वो भी प्रिपेयर नहीं होंगे सर? वो प्रिपेयर है लेकिन वो लोग पूरा अपना टारगेट अलग है, उसको तो अभी हम क्या बोलेगा, वो हमारा अभी सेम पार्टी में है, उसका जो अनफिनिश टास्क को जहाँ जा वो नहीं करना चाहता है, जहाँ कहीं की जगह में सड़क नहीं है क्योंकि में ब्रिज नहीं है, एजुकेशन सेक्टर तो वेरी पोर, हेल्थ हमारा संग्राम में भी हाई नहीं, वो हमारा वो जो इधर में कॉन्ट्रैक्ट और लॉस को भी हमारा फेलिक्स साहब का समय में चेंज है कि इधर कॉन्ट्रैक्ट और को सिर्फ ऑफिसर्स ही करता है, हमारा युवा अनएम्प्लॉयड बैठ के काम करने नहीं मिलता, आम जनता को काम करने नहीं मिलता, उसको पक्का हम चेंज। सर हम अभी बामंग फेलिक्स जी से इंटरव्यू लिए हैं, उन्होंने बोला कि आपका रोड कम्युनिकेशन को लेके, नेटवर्क को लेके, डिजिटल सब कुछ उन्होंने लाया हुआ है, डेवलपमेंट लाया, आखिर ऐसा कौन से डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उनका तरफ से कमी रह गया जो आप जो फुलफिल करना चाहेगा, जो आपका 19 यहाँ पे इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत बड़ा जगह है, इसमें तो आपका रोड जो है नेशनल हाईवे तो आपने देखा, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, उसके स्कीम्स है, और इधर में आपका घर घर सड़क पर जाने से तो क्योंकि में तो अभी तक तो सड़क है ही नहीं, इवन हमारा गाड़ी नहीं चल पाता है, तो स्कूल है ही नहीं है, तो स्कूल को आप देखिए इतना पोअर कंडीशंस है, तो उसको हो देखता नहीं। उन्होंने तो कहा कि क्लियरली बोला कि यहाँ जितना नेशनल हाईवे है, जितना नेटवर्क है, वो ही लाया है, तो फिर आप क्या कहेंगे इस? मैं तो वो भी जो अभी लाया होगा ठीक है, जो हो जो अपना सोच के रख सोचा वाला को किया है, हम जो मेरा अपना विजन है कहाँ में क्या करना है हम भी सोच के रखा है उसको करेगा। सर हम देखता है कि बहुत सारा ऐसा एमएलए कैंडिडेट होता है, कंटेंडर होता है कि वो डिक्लेयर करता है वो पार्टी श्योर करने के लिए, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिलता है तो फिर वो पीछे की तरफ हट जाता है, वो कैंसिल कर जाता है, छोड़ देता है, तो आपका दिमाग में आपको क्या लगता है कि आप अगर आपको पार्टी से टिकट नहीं भी मिलेगा तो आप आगे क्या जा पाएंगे या आप जाएंगे पब्लिक के लिए, आप काम करने के लिए, और आप सोचा है? मैं तो पब्लिक को आधा रास्ता में नहीं छोड़ेगा, नाई कामन वो समझ रहा पार्टी है, हम उम्मीद करते हैं कि मुझे मिलेगा, और उस को तो मैं आपको पहले से बोला है कि आई ऑन द जॉब,
हम उसमें हैं और मेरा पब्लिक को हम अधूरा छोड़ेगा नहीं, हम जहां में बैठ जाएगा मेरा साथी रहेगा, हम उसका साथी रह जाएगा। सर